नमस्कार, देवभूमि की खबरों के संगम अपना उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। खबरों की ओर रुख करेंगे। लालकुआ विधानसभा में कांग्रेस ने पहली बार महिला उम्मीदवार संध्या दालाकोटी को मैदान में उतारा है, जिसके बाद से ही कांग्रेस में एक के बाद एक बगावत के सुर उठने लगे हैं। एक दिन पहले हरीशचंद्र दुर्गापाल, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी निर्दलीय चुनावी ताल ठोकने का ऐलान किया। वहीं आज कांग्रेस की बगावत का पार्ट टू शुरू हो गया, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा के हजारों समर्थक उनके आवास पर आयोजित महापंचायत में शामिल हुए। हरेंद्र बोरा को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतारने के लिए दबाव बना रहे हैं। मेरे ऊपर बहुत दबाव था कि पार्टी ने इस बार जो है आपके पक्ष में निर्णय नहीं लिया, क्योंकि मैं भी पिछले 20-25 वर्षों से लगातार जो है टाइम कांग्रेस पार्टी की यहाँ पर सेवा कर रहा हूँ। तो देखिए, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में मायूसी हो जाती है। जो मेरे पीछे लोग लगे हुए हैं हजारों हजार की संख्या में, आप देख रहे होंगे कि इस विधानसभा का 70% यूथ जो है मेरे साथ है, मातृशक्ति मेरे साथ है। लेकिन देखिए, ठीक है, हाईकमान ने जो भी निर्णय लिया है वो स्वागत योग्य है। अब कल मैं टीवी में देख रहा था कि उसमें आया था कि पार्टी ने सारे टिकट जो है इन पे अभी रोक लगा दी। देश में 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच जसपुर में भी गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। नगर पालिका कार्यालय में कोरोना गाइडलाइंस के अनुरूप गार्ड की सलामी के बाद पालिका अध्यक्ष मुमताज बेगम ने ध्वजारोहण किया। इस दौरान राष्ट्रीय गान भी गाया गया। नैनीताल में कड़ाके की ठंड के बावजूद भी यहां डीएसए मैदान में 73वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। कुमाऊं मंडल आयुक्त दीपक रावत की तरफ से झंडारोहण कर परेड की सलामी ली गई। कार्यक्रम में पुलिस के जवानों की तरफ से परेड का आयोजन किया गया। वहीं कुमाऊं मंडल आयुक्त ने परेड का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस जवानों समेत एनसीसी के छात्रों ने आयुक्त दीपक रावत को सलामी दी। सितारगंज विधानसभा चुनाव में अभी पार्टियों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार शुरू करते हुए अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में अपने कार्यालय खोलने शुरू कर दिया है। इसी के तहत कांग्रेस पार्टी ने भी नगर के मीना बाजार में विधिवत पूजा अर्चना कर अपना कार्यालय खोल दिया। कांग्रेस प्रत्याशी नवतेज पाल सिंह ने अपने समर्थकों के साथ पूजा अर्चना कर कांग्रेस कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सर्वधर्मों का आशीर्वाद लेते हुए पूजा अर्चना की। कांग्रेस पार्टी के चुनाव कार्यालय का जो उद्घाटन का कार्यक्रम था, सभी धर्मों के विधि विधान से हमने उस कार्यालय का उद्घाटन कराया है। सभी देवी देवताओं का, सभी पीर पैगंबरों का, सभी गुरुओं का, सभी हमारी पार्टी को आशीर्वाद मिले, हमें आशीर्वाद मिले और हम विजयश्री हासिल करें, ऐसी हमने सब जो है दुआ करी। एक निवेदन मैं आपके चैनल से और करना चाहता हूँ, मेरे पास समय कम है, मैं सब जगह नहीं पहुंच सकता, इसलिए मेरे कार्यकर्ता जो भी हैं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बुजुर्ग नौजवान साथी महिलाएं, वो जगह जगह जाके वोट मांगने का काम कर रहे हैं। जो भी वो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे कार्यकर्ता निस्वार्थ काम कर रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता कोई पैसे नहीं कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसा हमें मना करते हैं, नियमों का हवाला देते हैं, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। उत्तराखंड में चुनावी बिगुल बजने के बाद सभी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। कोरोना गाइडलाइंस के कारण डोर टू डोर जाकर लोगों से वोट मांग रहे हैं। मंगलौर विधानसभा में बीजेपी ने दिनेश पंवार को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद दिनेश पंवार गांव-गांव जाकर सर्व समाज के लोगों से वोट मांग रहे हैं, तो वहीं साधु संतों से भी आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। गणतंत्र दिवस के पर्व पर और आज हमारे परम आदरणीय महामंडलेश्वर मैत्री दीदी जी महाराज जी का आज जन्मदिवस है, उनका आशीर्वचन लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था और उनको उनके जन्मदिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं दी। इस आश्रम से आज से नहीं, लगभग 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं अक्सर आता रहता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ये इस बार इसलिए अच्छा हुआ आप भी आएँ क्योंकि मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ, आपने मेरा वोट किया, नहीं तो मैं अक्सर ही यहाँ पर आता हूँ। दर्शकों, उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां मैदान में अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं। ऐसे में बीजेपी ने लालकुआ से विधायक पद के दावेदार पवन चौहान को मैदान में उतारा है।
इसी को लेकर पवन चौहान से खास बातचीत की हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आर्य ने। इस दौरान क्या कुछ कहना है पवन चौहान का विधानसभा चुनावों को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम आज पहुंची है लालकुआ विधानसभा में। विधानसभा 2022 का चुनावी बिगुल बज चुका है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। आज हमें लालकुआ में एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। फेम आप देख सकते हैं, हमारे साथ हैं पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान जी, जो भाजपा से दावेदारी कर रहे हैं। सबसे पहले चौहान जी, आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में स्वागत है। धन्यवाद बहुत। चौहान जी, पार्टी आलाकमान में भी संशय बरकरार है, किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि कई कद्दावर भाजपा के नेता यहाँ पर मैदान में, किस तरीके से देखते हैं और क्या निवेदन पार्टी आलाकमान से आप करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा संगठन है और बड़े संगठन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। बहुत सोच विचार करके टिकट चुके हमने सरकार बनानी है और सरकार बनाने के लिए अच्छे उम्मीदवार ये पार्टी का प्रयास रहता है, पार्टी का प्रयास है। और मैं चूंकि 2012 से दावेदार हूं, इसलिए मेरे को पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो मेरे में विश्वास प्रकट करेंगे और मेरे को टिकट देंगे। चौहान जी, एक सवाल ये भी रहेगा, तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में कदम रखने जा रही है और दिल्ली के CM केजरीवाल जी बड़े बड़े वादे अपने यहाँ पे कर रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा इसमें? हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठ बोलने वाला आदमी है केजरीवाल, ने दिल्ली के लोगों का हाल क्या कर रखा है। यहाँ वो रुपए बांटने की बात कर रहे हैं, यहाँ बिजली पानी फ्री देने की बात कर रहे हैं, रोजगार देने की बात कर रहे हैं, और वहाँ जब कोविड आया था तो लोगों को ट्रकों में भर करके बॉर्डर पर छोड़ आए थे। ये वही केजरीवाल है, झूठ बोलने के अलावा इनका कोई काम नहीं है। और ये माननीय हरीश रावत जी ने एक बात इनसे पूछी थी कि लाएंगे कहाँ से, बांटेंगे कहाँ से, क्या दिल्ली से पैसा लेकर के आएंगे, तो ये सब झूठ। उत्तराखंड की जनता केजरीवाल जैसे आदमी के झांसे में नहीं आने वाली है। कांग्रेस पार्टी को भी ठीक से परख लिया था, इसलिए कांग्रेस के लोग दुखी हैं, हरीश रावत जी परेशान हैं, कहां से मैं चुनाव लड़ूं, कहां मैं जाऊं, मेरी कैसे मेरी मान मर्यादा इज्जत बचेगी, क्योंकि हिंदुस्तान का ऐसा कोई नेता नहीं होगा जो इतने चुनाव हारा होगा। ऐसा एक ही नेता, एकमात्र नेता है हरीश रावत जी, जो हरीश रावत जी इस बार पुनः स्थिति में फंसे हुए हैं, वो उनका रास्ता नहीं मिल रहा कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ। चौहान साहब, एक सवाल ये भी है कि कांग्रेस ने अपने दावेदारों की सूची यहाँ पर पेश की और लालकुआ विधानसभा की यदि मैं बात करूँ, एक तरफ कांग्रेस पार्टी कहती है कि लड़की हूँ लड़ सकती है, लेकिन एक महिला को टिकट देने के बाद जो बगावत हुई है उस संबंध में क्या विचार आप रखेंगे? वो पार्टी का उनका अपना अंदरूनी मामला है, लेकिन एक महिला का सम्मान करना चाहिए, ये हमारा ही मानना है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के और कांग्रेस के संस्कृति में बहुत अंतर है, कांग्रेस का तो ये मार धाड़ और सब करने का अपना पहले से, महिलाओं को तंदूर कांड कांग्रेस के राज में तो हुआ था, महिलाओं को वहाँ तंदूर में जिंदे को जला दिया गया था, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे हम लोगों का ये मानना है उत्तराखंड की संस्कृति और संस्कार को भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति ये कहती है कि एक उम्मीदवार के नाते, एक कार्यकर्ता के नाते वो उनके घर पर गई थी तो वहाँ मिलना चाहिए था। जनसंपर्क अभियान आपके द्वारा लगातार चलाया जा रहा है, कितना समर्थन मातृशक्ति का मिल रहा है, कितना समर्थन युवाओं को आपको इसमें मिल रहा है? देखिए, मैंने देख रहे होंगे कि मैं कार्यकर्ताओं के बल पर ही यहाँ इतने आगे तक हूँ और आज जो समर्थन मेरे को मिल रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं चुनाव वोट पड़ने से पहले विधायक बना दिया हूँ, इस तरह का समर्थन देखने को मिल रहा है। मेरे को बड़ी प्रसन्नता है, बड़ी खुशी होती है। मैं सोचता हूँ मैं एक ऐसी जगह आकर के अपने कार्य क्षेत्र में हूँ कि लोग इतना भरपूर सम्मान मेरे को मिलता है। भारतीय जनता पार्टी साफ शब्दों में कह रही कि 2022 में 60 के पार जाएगी, किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, तभी मैंने कहा ना, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनानी है, इसलिए कहीं ना कहीं सोच विचार करके टिकट देने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, तो सरकार बननी है, ये तो सबको पता है, लेकिन अच्छी स्थिति में बने, 60 के पार बने, ये नेतृत्व का कहना और ऐसा ही होने जा रहा है ऐसा। तो ये हमारे साथ थे पवन चौहान जी, जिन्होंने साफ शब्दों में बताया कि 2022 के चुनाव में पुनः भाजपा की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी इस बार 60 के पार जाएगी। धर्मेंद्र आर्या, न्यूज वर्ल्ड इंडिया से लालकुआ। वही दर्शकों, मिनी स्विट्जरलैंड के रूप में विश्व प्रख्यात पर्यटक स्थल चोपता में जमकर बर्फबारी हो रही है। 3 दिनों से लगातार चोपता और आसपास के क्षेत्र में बर्फबारी हो रही है। चोपता में होटल, लॉज, दुकानों की छत में भी बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है। इतना ही नहीं, चोपता के हरे भरे पेड़ बर्फबारी के कारण सफेद दिख रहे हैं।
ज्यादा बर्फबारी के कारण चोपता बद्रीनाथ हाईवे पर भी दो दिनों से आवाजाही ठप पड़ी है। बर्फ का आनंद लेने के लिए पर्यटक कई किलोमीटर का पैदल सफर तय कर चोपता पहुंच रहे हैं। दो तीन दिन से बर्फबारी हो रही है, रोड का पूरा बुरा हाल है, लोग काफी परेशान है, लेकिन यहाँ पे काफी दिक्कत हो रही है लोगों को। यहाँ पे बर्फबारी पे यहाँ पे गाड़ियाँ भी फिसल रही हैं। दो तीन दिन से काफ़ी बर्फबारी चल रही है, लोग दो तीन किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं और फिर अभी भी बर्फबारी चली रही है। देखते हैं आगे दो तीन दिन का और अपडेट मौसम विभाग ने दे रखा है, तो देखते हैं कब तक बर्फबारी होती है। प्रशासन की ओर से यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई हैं राउत साहब ने? देखो दो चार दिन से यहाँ पे जेसीबी वगैरह, जैसे एनएच हाईवे की जेसीबी वगैरह आती थी, लेकिन दो तीन दिन से वो भी थोड़ा वेट कर रहे हैं कि बर्फ़ कितना, उसके बाद हम एक ही बार साफ करेंगे। बीओ अगस्तपुनी से हूँ और ये हमारा लोकल हिल स्टेशन है और यहाँ पे हर साल जो है बर्फबारी तो बहुत अच्छी होती रहती है और इस बार भी बहुत अच्छी बर्फबारी भी है और पर्यटक भी इस बारी तो लग रहा है कि बहुत बहुत तादाद में पहुँच रखे हैं जगह जगह से। जगह जी रास्ता बंद हो गया है? हाँ, आगे बता रहे हैं कि आगे रास्ता बंद है। हम भी बहुत लंबा जो है पैदल चल के आए वहाँ से ना, तो थोड़ा एक चीज़ होनी चाहिए प्रशासन की, थोड़ा वो व्यवस्था होनी चाहिए ना पर्यटकों को, अगर रास्ता बंद है तो थोड़ा लोकल कोई वो वाहन हो जाए या जो भी है ना। मैडम कहाँ से आए हैं आप? मैं आई हूँ लखनऊ से, परसों लखनऊ से ऋषिकेश आई थी, फिर कल ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग में रुकी, आज रुद्रप्रयाग से चोपटा आई हूँ और ये पहली बार है मेरा चोपटा में विजिट। इससे पहले ओली आ चुकी हूँ बट पहली बार आ रही हूँ उत्तराखंड के। कैसा लग रहा है यहाँ के? और यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि स्नो तो देखा था बट स्नोफॉल पहली बार देख रही हूँ और इसी वजह से यहाँ आई थी। चमोली में 26 जनवरी का दिन खास रहा, जहां महाविद्यालय के एनसीसी की 3 छात्राओं ने दिल्ली परेड में प्रतिभाग किया। वहीं रक्षा मंत्रालय ने जिले के 98 शहीद सैनिक परिवारों के साथ डीएसपी धन सिंह तोमर को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड RDC में इस साल श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय परिसर गोपेश्वर, चमोली की 3 एनसीसी कैडेट्स प्रिया, दीपशिखा, अनिशा ने प्रतिभाग किया है। महाविद्यालय के लिए बड़े गर्व का विषय है कि इस वर्ष के 3 महाविद्यालय की छात्राओं ने गणतंत्र दिवस पर जो होने वाली परेड है उसमें प्रतिभाग करने का उन्हें मौका मिला है। रक्षा मंत्रालय के द्वारा उनका चयन किया गया है और 3 कार्यक्रमों में उनका चयन है। प्रथम छात्रा का चयन रिपब्लिक डे परेड में है, दूसरी छात्रा का चयन प्रधानमंत्री की परेड में है। पर ये मैं तो शुक्रिया अदा ही करूँगा, मैं धन्यवाद अदा करूँगा अपने अधिकारियों का, जिनके आधार मैंने कार्य किया। ये राष्ट्रपति जी का जो सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक से मुझे ये मिला है, सभी के लिए इसके लिए धन्यवाद अदा करूँगा। लालकुआ हल्दूचौड़ में हो रही लगातार सोलर बैटरियों की चोरी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए पुलिस टीम गठित की गई। वहीं लालकुआ पुलिस क्षेत्राधिकारी शांतनु पाराशर के नेतृत्व में गठित टीम ने 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से हाल फिलहाल में चोरी हुई 15 बैटरियां सहित अन्य सामान भी बरामद किया गया। फिलहाल पुलिस ने अभियुक्तों को जेल भेज दिया है। दिनों से कुछ चोरी की सूचना आ रही थी जिसमें सोलर लाइट्स की जो बैटरियां थी कोई चोर चोरी कर रहा था। इस संबंध में लोकल प्रधान द्वारा हमें एक शिकायत दी गई जिस पर हमने FIR रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन किया। इसमें 2 टीमें बनाई गई, जो चौकी इंचार्ज और हमारे इधर लोकल कोतवाली की जो टीम थी, इसमें हमने लोकल सारे CCTV देखे। तो इसमें एक व्यक्ति कल 7:30 बजे लालकुआ क्षेत्र से गिरफ्तार हुआ है तथा इसी के साथ साथ इसके पूछताछ करने पर इसने बताया कि इसने 16 बैटरियां चुराई हैं जो कि हल्दूचौड़ और लालकुआ क्षेत्र की हैं। इसको एक लोकल कबाड़ी को बेचा करता था और इससे हमें 16 बैटरियां रिकवर करता एक साइकिल जो इस चोरी में होती थी। चमोली के जोशीमठ में हुई बर्फबारी के बाद बर्फ की मोटी परत जमने के बावजूद गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भारत चीन सीमा की अग्रिम चौकियों पर ITVP के हीम वीरों और सेना के जवानों ने तिरंगा फहराकर 73वें गणतंत्र दिवस को धूमधाम से मनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, चमोली की तस्वीरें हैं जहां पर ITVP के जवानों ने हर्षोल्लास के साथ आज गणतंत्र दिवस को मनाया है।
पौड़ी के एमकेश्वर विधानसभा के गणतंत्र दिवस की बेला पर द्वारीखाल प्रमुख महेंद्र राणा की तरफ से विकासखंड में गणतंत्र दिवस के अवसर पर झंडारोपण और रायशुमारी कार्यक्रम में प्रतिभाग किया गया। इसके बाद मातृशक्ति प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, जिला पंचायत सदस्यों ने बैठक कर महेंद्र राणा को कांग्रेस से टिकट ना दिए जाने पर गहरा संतोष व्यक्त किया। वक्ताओं ने कहा कि महेंद्र राणा ने अपने 1 साल 6 महीने के कार्यकाल में विकासखंड को नई दशा और दिशा दी है। इस रायशुमारी में यमकेश्वर विकासखंड, दुगड्डा विकासखंड और द्वारीखाल विकासखंड के जनप्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया है। नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। जैसे ही मीडिया के जरिए पर्यटकों ने बर्फ पड़ने की खबर सुनी और देखी, जैसा कि न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया ने भी लगातार दिखाई थी, तो पर्यटकों का जमावड़ा लग गया। पर्यटक स्थल हिमालय दर्शन में बर्फ देखने वालों का तांता लग गया, जिसके चलते सरोवर नगरी में जाम की स्थिति पैदा हो गई। वहीं पर्यटकों में कोरोना का भी कोई भय नजर नहीं आ रहा। दो हजार बाईस के चुनावों में सभी पार्टियों में फेरबदल का माहौल जारी है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री जनरल भुवन चंद खंडूरी के बेटे मनीष खंडूरी ने मंगलौर पहुंचकर काफी लंबे समय से बीजेपी में रहने वाले एक बड़े राजनीतिक घराने का सदस्य कलीम अंसारी को कांग्रेस पार्टी में शामिल कराया। इनके साथ सैकड़ों समर्थकों ने भी कांग्रेस ज्वाइन की। आपको बता दें कि मंगलौर में स्वर्गीय अख्तर चेयरमैन का राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा खासा दबदबा है और बसपा में रहने के बाद इस परिवार के बेटे कलीम अंसारी और उनके बेटे काफी लंबे समय से बीजेपी पार्टी के नेता रहे हैं। 2012 में कलीम अंसारी मंगलौर विधानसभा से बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। मंगलौर के सबसे बड़े राजनीतिक परिवारों में से एक जनाब अख्तर चेयरमैन साहब का परिवार रहा है और कलीम भाई हमारे बड़े भाई, उनके साहबजादे और उनके पोते चौधरी आमिर साहब अपने पूरे परिवार के साथ भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए हैं। तो ये भी महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में उत्तराखंड, मंगलौर और आसपास जो बुरा हाल हुआ है, उसको जो विकास पटरी से उतरा है वो कांग्रेस ही ला सकती है तो माने जाते हैं। पर इससे पहले ये हमारे खंडूरी परिवार के एक सदस्य भी हैं हमारे लिए, तो क्योंकि मेरे पिताजी के हैं और बहुत समय से बहुत लंबे साथी रहे हैं। एक तो बात यह है, दूसरी बात यह है कि जैसे आज जो कांग्रेस में आए हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरा छोटा भाई आमिर भी है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और इससे ज़्यादा भी मुझे खुशी हुई है कि मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ रिकॉर्ड पे कि जो स्नेह और जो प्रेम मेरा पिताजी का था वो बीजेपी में थे, पर जो काजी निजामुद्दीन के लिए है वो मैं खुद ही जानता हूँ। पौड़ी में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते मौसम काफी सर्द हो चला है, जिससे लोगों को सर्द मौसम से बचने के लिए सुबह से ही अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं पौड़ी में बुआखाल, कंडोलिया, टेका, अदवावाड़ी और नागदेव झंडीधार आदि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम की पहली बर्फबारी शुरू होते ही तापमान में काफी गिरावट देखने को मिल रही है। दर्शकों, चमोली के अति दूरस्थ क्षेत्र और दूसरे शब्दों में कहें तो मानवीय आबादी का अंतिम गांव वाण के महिलाओं और उनके छोटे छोटे नौनिहालों के कोविड 19 के चलते आजकल स्कूल बंद है। तो ऐसे में लोगों के बच्चों को पिछले कोरोना काल के समय में गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, इन दोनों ऐतिहासिक महत्व के अवसरों पर घर पर ही बैठे रहना पड़ा। इससे स्कूली बच्चों में मायूसी भी देखने को मिली। बच्चों के इसी मायूसी को दूर करने और उनमें राष्ट्र प्रेम की भावना को जगाने के लिए वाण गांव के सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली ने गांव की सभी महिलाओं और उनके नौनिहालों को गणतंत्र दिवस पर चारों ओर बर्फबारी के बावजूद एकत्र कर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और महिलाओं और बच्चों ने इस अवसर पर राष्ट्रगान गाकर भारत माता के जयकारे लगाए। छब्बीस जनवरी मना रहे हैं हम कोरोना लॉकडाउन के वजह से, और हम यहाँ पे सभी बच्चे इकट्ठा करके यहाँ 26 जनवरी मना रहे हैं। इसलिए लॉकडाउन के वजह से हमने स्कूलों में कहीं 26 जनवरी हमारे बच्चों ने नहीं मनाया पाया, तो इसलिए हम यहाँ सभी बच्चे इकट्ठा करके यहाँ 26 जनवरी मना रहे हैं। अट्ठावन विधानसभा नैनीताल सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संजीव आर ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। संजीव आर्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय है।
और उन्होंने अनुमोदक और प्रस्तावक सतीश नैनवाल की मौजूदगी में नामांकन पत्र संयुक्त मजिस्ट्रेट प्रतीक जैन को सौंपा। नामांकन पत्र जमा करने के बाद बाहर खड़े कार्यकर्ताओं ने उनका फूल माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कांग्रेस नगर अध्यक्ष अनुपम कांवड़वाल समेत दर्जन भर कार्यकर्ता मौजूद रहे। तिहत्तरवें गणतंत्र दिवस के मौके पर गोपेश्वर पुलिस मैदान में चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इसके बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं दी हैं। साथ ही उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को लोकतंत्र के पावन पर्व पर संविधान की शपथ भी दिलाई। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए अब रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। शुक्रिया।